था भारत के बच्चे। इसके त्रिस्तंजा हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, आज हम इसके आगे की त्रिस्तंजा पढ़ेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक न है डरने वाले, चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नहीं बनाएंगे, हमें तो समझो यूं ही हम हैं भारत माता की आशा, सब कुछ न्योछावर कर बाकी पूर्ण करेंगे अभिलाषा, गिरे आज है जो समाज में ऊपर उन्हें उठाएंगे, हम भारत के बच्चे हैं बस आगे बढ़ते जाएंगे। बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक न है डरने वाले, बड़ी बड़ी बाधाओं से मतलब बाधाएं मतलब होती कठिनाई, बाधाएं मतलब कठिनाई। बच्चे कहना चाह रहे हैं कि बड़ी बड़ी हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, तनिक न है डरने वाले, तनिक यानी होता है जरा सा या थोड़ा सा, तो हम थोड़ा सा भी या जरा सा भी डरने वाले नहीं है। चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नहीं बनाएंगे, चट्टाने जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं चट्टाने कहलाते हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि चट्टानों को तोड़ फोड़ कर भी हम राहें यानी रास्ता हम अपना रास्ता बना लेंगे। यहाँ पर चट्टाने प्रतीक है मुश्किलों की, ठीक है, चट्टाने किसकी प्रतीक है मुश्किलों की। वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें आ जाए है ना, हम उन मुश्किलों का सामना करके अपना नया रास्ता बना लेंगे। हमें न समझो यूं ही हम है भारत माता की आशा, सब कुछ न्योछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। अभिलाषा ने होता है इच्छा, अभिलाषा ने इच्छा, और आशा यानी उम्मीद, आशा का मतलब उम्मीद, न्योछा न्योछावर ने बलिदान करना या त्याग करना। हमें समझो यूं ही हम भारत माता के बच्चे कह रहे हैं कि हमें यही ऐसा वैसा न समझो, हम भारत माता की उम्मीद है, सब कुछ न्योछावर कर न्योछावर बलिदान कर, हम अपना हमारे पास जो भी है वो सब हम बलिदान कर देंगे त्याग कर देंगे और अपनी माँ की इच्छा भारत माता की इच्छा को पूरा करेंगे। ये आज है जो समाज में पर उन्हें उठाएंगे, हम भारत के बच्चे हैं बस आगे बढ़ते जाएंगे। गिरे आज है जो समाज में, गिरे आज से तात्पर्य हमारे समाज में जो भी गरीब है जो बेसहारा है, बेसहारा कौन, जिनका जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है वो है बेसहारा। हमारे समाज में जो भी गरीब है जो बेसहारा है ऊपर उन्हें उठाएंगे मतलब हम उनकी सहायता करेंगे, उनकी जीवन को संवारेंगे, हम भारत के बच्चे, हम भारत के वीर साहसी बहादुर बच्चे हैं जो बस आगे बढ़ते जाएंगे, लगातार प्रगति करते जाएंगे और उन्नति करते जाएंगे। हमारे सामने कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, मुश्किलें आ जाए, हम उनका सामना करेंगे और उनसे घबराएंगे नहीं और लगातार आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे और अपने कर्तव्य पथ को पूरा करेंगे। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने देश का सम्मान करना चाहिए और अपनी अपने देश के लिए देशभक्ति है ना, निडरता, निडरता न डरने वाले को कहते निडर, तो निडरता है ना, ईमानदारी साहसी हिम्मत वाले हा? और अनुशासन दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय मन में संकल्प करना कि मुझे किसी भी हाल में अपने कार्य को पूरा करना ही है, तो दृढ़ निश्चय जैसे गुणों को अपना कर देश का अच्छा नागरिक बनना चाहिए जिससे हमारा देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा।